सबसे पहले बात इस वक्त की बड़ी खबर की, दिल्ली से जहां रोहिणी धमाके से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। मौके से मिले हैं सफेद पाउडर में 3 केमिकल मिले थे, बता दें आपको, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोरेट नाइट्रेट मिला हुआ था, ये जानकारी मिल रही है। दिल्ली में रोहिणी बम धमाका मामले में ये जानकारी मिल रही है, वो सफेद पाउडर जिसमें क्या क्या मिलावट की गई थी उसके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। एक तरफ लगातार सबूत खंगाले जा रहे हैं, वही सफेद पाउडर जो मिला है उसकी जांच की गई है, जिसमें 3 केमिकल मिक्स किए गए थे। 3 केमिकल कौन कौन से थे जिससे धमाका हो सके, धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनाई जा सके। हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोरेट और नाइट्रेट मिला हुआ था इसमें, जैसे धमाका तेज हुआ। हालांकि जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कई गाड़ियों के शीशे टूटे हैं और कई दुकानों के शीशे भी टूटे हैं। रोहिणी दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस मामले में लगातार एक तरफ जांच जारी है, विदेशी कनेक्शन की जांच भी की जा रही है, वहीं दूसरी ओर जिस पाउडर का इस्तेमाल धमाके के लिए किया गया था, धमाके वाली जगह पर जो पाउडर मिला था, जब उसकी जांच की गई है तो बताया जा रहा है कि उसमें 3 चीजें मिक्स की गई थी, जिसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोरेट और नाइट्रेट मिला हुआ था। और अब इसकी भी जांच की जा रही है कि इसका विदेशी कनेक्शन क्या है, क्या इसका कोई खालिस्तानी कनेक्शन है। जिस चैनल पर सीसीटीवी फुटेज डाला गया था उस चैनल के बारे में जानकारी हासिल की गई है। सफेद पाउडर में 3 केमिकल मिक्स किए गए थे। दरअसल दिल्ली में हुए धमाके का पाकिस्तान और कनाडा कनेक्शन सामने आ रहा है। धमाके में जिस सफेद पाउडर का इस्तेमाल किया गया वो कहां से आया है, जिसकी जानकारी हमने अभी आपको दी है, जिसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर धमाके की साजिश रची गई थी उससे भी सबूत जुटाए जा रहे हैं। लेकिन जांच में अब तक क्या मिला है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। दिल्ली में धमाका, कनाडा पाकिस्तान में हाहाकार। सफेद पाउडर का राज, कनाडा पाकिस्तान से जुड़े तार। दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके में सीआरपीएफ के स्कूल के पास जो धमाका हुआ उसकी गूंज देश से लेकर विदेश तक सुनाई दे रही है। धमाके के बाद से ही दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है। एनआईए से लेकर एनएसजी तक घटना की हर बारीकियों पर नजरें गड़ाए बैठी है। लेकिन इस धमाके से जुड़ा जो खुलासा अब सामने आ रहा है उसने देश की तमाम जांच एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। दिल्ली धमाका, कौन आका? दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ उसको लेकर के जो जांच पड़ताल की जा रही है, दावा किया गया है कि इसके पीछे खालिस्तानी आतंकी हो सकते हैं, खालिस्तानियों का हाथ हो सकता है, क्योंकि एक टेलीग्राम चैनल के जरिए दावा किया गया है कि इसके पीछे खालिस्तानी ऑपरेटिव्स का हाथ है। हालांकि जिस टेलीग्राम चैनल जस्टिस लिंक इंडिया पर इस घटना का सीसीटीवी वीडियो डालकर धमाके के पीछे खालिस्तानी ऑपरेटर्स का हाथ बताया जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि उसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के हैंडलर चलाते हैं। बताया जा रहा है कि इस टेलीग्राम चैनल का इस्तेमाल पाकिस्तानी आतंकियों के अंजाम दिए गए आतंकी घटनाओं का अपडेट शेयर करने के लिए किया जाता है। ऐसे में कयास ये भी लगाया जाना शुरू हो गया है कि भारत विरोधी एजेंडे पर खालिस्तानी और पाकिस्तानी आतंकी संगठन एक हो चुके हैं। अब इसमें खालिस्तानी एंगल पे भी दिल्ली पुलिस की टीम इन्वेस्टिगेट करी, क्योंकि धमाके के कुछ घंटों बाद सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे एक धमाके का वीडियो अपलोड किया जाता है, एक जानकारी ली जाती है और उसमें खालिस्तानी जिंदाबाद लिखा जाता है। इसके बाद दिल्ली पुलिस की जो एक टीम है वो इस एंगल पे जांच करेगी, कहने का इसमें खालिस्तानी एंगल तो नहीं हो सकता। उसको लेके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को एक लेटर लिखा गया है जिससे कुछ जानकारी जो है वो टेलीग्राम के माध्यम से पुलिस को मिल सके, लेकिन लेटर लिखा जा चुका है, लेकिन अभी टेलीग्राम की तरफ से कोई जानकारी जो है दिल्ली पुलिस को साझा नहीं की गई है। हैरानी यह है कि इस मैसेज को पाकिस्तान से चलने वाले कई टेलीग्राम चैनल पर सर्कुलेट किया गया। इस दावे को सर्कुलेट करने वाले ज्यादातर वो टेलीग्राम चैनल हैं जो कश्मीर में होने वाले आतंकी गतिविधियों की अपडेट भी शेयर करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये साफ इशारा करता है कि पर्दे के पीछे भारत विरोधी एजेंडे को लेकर खालिस्तानी और पाकिस्तानी अब एक हो चुके हैं।
दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ उसके पीछे खालिस्तान को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, लेकिन जिस चैनल के जरिए इस बात की जानकारी दी गई है, कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI चलाती है, यानी कि हो सकता है कि इसके पीछे पाकिस्तान का भी हाथ हो और जानबूझकर गुमराह करने की कोशिश पाकिस्तानी आतंकी कर रहे हो। बहरहाल दिल्ली ब्लास्ट मामले में अब तक कोई गिरफ्तार नहीं हो पाया। हाँ, केस में कई एंगल सामने आने के बाद जांच एजेंसियां जरूर इस मामले की हर पेचीदगी को सुलझाने में लगी हैं, लेकिन जिस तरह से इस केस के तार उलझे हुए दिखाई देते हैं, ये कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली ब्लास्ट की साजिश गहरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक मीडिया। लाल बत्ती हटा दी तो अब उपाय ही नहीं है, सुरक्षा नहीं लूंगा, खैर आप जानते हैं उसकी हालत, बंगला नहीं लूंगा। अब बंगला नहीं लूंगा से बंगले की क्या हालत है, किस प्रकार का, वो बंगला तो नहीं कह सकते हैं। शीश महल के इन्वेंटरी कल जो PWD डिपार्टमेंट है दिल्ली की, उन्होंने शीश महल अरविंद केजरीवाल जी की सरकारी आवास के इन्वेंटरी को जारी किया, ऐसे मीडिया के माध्यम से हमें मालूम पड़ा है। मीडिया के सारे दस्तावेज टीवी चैनलों में सारे दस्तावेज चल रहे हैं, मीडिया के बंधु इसको उजागर भी कर रहे हैं। जब हमने टीवी में और मीडिया में ये सब कुछ देखा तो हमसे भी रहा नहीं गया। कल से टोटो के विषय में पूरी जानकारी ली जा रही है, ये टोटो क्या है और पूरे बंगले में किस प्रकार की साजो सामान और ऐशो आराम, मुझे तो कभी कभी लगता है जो शहंशाहे आलम रहे होंगे, जहां पना रहे होंगे, वो सब भी इस प्रकार की वस्तुओं से महरूम रहे होंगे। अब मैं बता देता हूं, विंडो कर्टन ऑपरेटेड विथ मोटर एंड ट्रैक, मतलब कर्टन तो समझ में आता है, पर्दा, हमारे घर में तो पर्दा ऐसे ही खींचते हैं, पता नहीं आपके घर में ऐसे ही खींचते हैं ना, पर्दा ऐसे खींचते हैं, और जो थोड़े बड़े लोग हैं उनके पर्दे में होता है ऐसा कुछ होता है, एक रस्सी लटकी रहती है, वो रस्सी को खींचने से पर्दा ऐसे ऐसे हो जाती है बस, मगर यहां तो मोटर एंड ट्रैक है, इक्विप्ड विद बॉडी सेंसर्स एंड रिमोट कंट्रोल, बॉडी सेंसर और रिमोट कंट्रोल भी है, तो ये सब मिलाकर के 4 करोड़ से 5.6 करोड़ तक के पर्दे, बॉडी सेंसर और उसके बाद उसमें रिमोट कंट्रोल, मोटर एंड ट्रैक, ये रिसर्च होगा इसके ऊपर पूरा क्या होता, पर्दा कैसा है ये देखना है एक बार। ओलेड टीवी सोनी की, अल्ट्रा स्लिम स्मार्ट 4K वॉइस कंट्रोल टीवी, 65 इंचेस बटे 75 इंचेस बटे 85 इंचेस, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, वॉइस कंट्रोल, वॉइस कंट्रोल बहुत आवश्यक है, वो सब कुछ वॉइस से ही कंट्रोल करते हैं, तो इसलिए वॉइस कंट्रोल, वो कितने की है, 64 लाख रुपए की टीवी। अब ये क्या चीज है ये भी देखना पड़ेगा, ओलेड टीवी सोनी की, स्लिम है बहुत, अल्ट्रा स्लिम है और 64 लाख रुपीज की है, वॉइस से कंट्रोल हो जाती है। फिर है बोस F1 लाउड स्पीकर विथ, ये क्या है, सब वूफर, ये क्या होता है, कुछ है वूफर, सब वूफर कुछ तो लगा हुआ है, अच्छा मधुर आवाज आएगी, अच्छा तो उससे 1000 वॉट RMS फ्लेक्सिबल एरे लाउड स्पीकर, ये 4.5 लाख का है। मैं बंगला नहीं लूंगा, फिर वूफर लगाया है। फिर है उसमें ओसाडा प्रीमियम फुल बॉडी मसाज चेयर, थक जाते होंगे ना वो, कितना घूमते हैं और सब, नहीं बातों से तो थक ही जाते हैं, चलते भी तो कितना है ना, वो बंगला इतना बड़ा है, 3000 स्क्वायर फीट का बंगला है, उसी में घूम घूम के थक जाएगा आदमी, उसमें घूम घूम के थकने के बाद वो इस चेयर में बैठ जाते हैं, जिस चेयर का दाम है 4 लाख रुपए, वो मसाज कर देगा चेयर, फिर वो कुछ ओसाडा चेयर है। उसके बाद है रिक्लाइनर सोफा, जब मसाज हो जाएगा तो ऐसे करके बैठेंगे सोफा में, वो सोफा 10 लाख रुपए का है, वो भी मोटराइज्ड रिक्लाइनर है, रॉकिंग एंड रिवॉल्विंग मैकेनिज्म, मतलब खाली ऐसे बैठने से भी मजा नहीं आएगा, रॉकिंग होगा और फिर रिवॉल्व विवॉल्व भी करेंगे चारों तरफ, तो वो 10 लाख रुपए खर्च होगा उस पर, पूरे 3000 स्क्वायर फीट घूमने के बाद उस सोफा में बैठेंगे। फिर 80 वाट का फ्री स्टैंडिंग ल्यूमिनेयर, ये क्या होता है,
यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन टच कंट्रोल पैनल फॉर इंडिविजुअल ऑन ऑफ डिमिंग एंड कलर ट्यूनिंग 9.5 लाख। ये 9.5 लाख रुपए में अच्छा ये वो मतलब अपने मन से वो लाइट वेट कंट्रोल करेंगे, मतलब आप बोलेंगे अब डिम हो जाओ तो वो डिम हो जाएगा, फिर बोलेंगे आप चारों तरफ ठीक यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन हो जाओ तो हर जगह एक जैसी लाइट हो जाएगी, अब लाल रंग कर दो तो वो लाल हो जाएगा, संसद की पिटाई करनी हो, हाँ मतलब किसी की पिटाई विटाई करनी हो तो बंद हो जाओ तो मतलब। और अब बात कनाडा की कर लेते हैं, जस्टिन ट्रूडो की, क्योंकि एक तरफ दिल्ली में धमाके का खालिस्तान कनेक्शन सामने आ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले उसी आतंकवादी समूह के लिए भारत के खिलाफ झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाने वाले जस्टिन ट्रूडो का असली चेहरा अब दुनिया के सामने आ गया है। और ट्रूडो को भारत ने पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है अपने जवाब से। इस रिपोर्ट को देखिए, समझिए कि कैसे भारत ने असली चेहरा ट्रूडो का सबके सामने ला दिया है। भारत और कनाडा के बीच पिछले एक साल से तनाव जारी है। खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद से ही दोनों देशों के संबंध अब तक से सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर लगाया है, जिसके बाद से ही दोनों देशों के बीच संबंध बेहद तल्ख हो चुके हैं। भारत ने जस्टिन ट्रूडो के आरोपों पर कड़ी आपत्ति जताते हुए फिलहाल कनाडा से अपने सारे राजनयिकों को वापस भारत बुला लिया, जबकि सबूत देने में नाकाम रहने के बावजूद ट्रूडो भारत के खिलाफ ना तो जहर उगलना बंद कर पा रहे हैं और ना ही वो इस मुद्दे पर भारत को घेरने की कोशिश से भी पीछे हटते दिख रहे हैं, जिसका सीधा असर दोनों देशों के आपसी संबंधों पर पड़ा है। भारतीय उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा ने तो इस मामले पर पीएम ट्रूडो को आईना भी दिखा दिया। उन्होंने ट्रूडो के सारे आरोपों को राजनीति से प्रेरित बता दिया। ट्रूडो ने आरोपों को लेकर कोई सबूत नहीं दिया, खालिस्तानी चरमपंथियों पर कोई कार्रवाई नहीं की, कनाडाई खुफिया एजेंसी के साथ खालिस्तानी आतंकवादी, निज्जर की हत्या में भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं, भारतीय राजनयिकों से जानकारी तक नहीं ली गई। हालांकि निज्जर की हत्या मामले में सबूत देने में नाकाम रहने के बावजूद जिस तरह से ट्रूडो दुनिया में भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं उसे देखते हुए पूरी दुनिया में इसकी किरकिरी हो रही है। उस पर जिस तरह से कनाडा के बेतुके आरोपों के बाद भारत ने सख्ती दिखाते हुए अपने उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा समेत 6 भारतीय राजनयिकों को वापस बुलाते हुए कनाडा के 6 राजनयिकों को निकाला है, जस्टिन सरकार अब घर में ही घिर चुकी है। देखिए, संजय वर्मा ठीक कह रहे हैं कि कैनेडियन सरकार ने कुछ साक्ष्य नहीं दिए, वे आरोपों के आधार पर बात कर रही है। ये तो उनकी जो पुलिस है उनके अधिकारी ने ऑन रिकॉर्ड कहा है।